हीरे खबर लाइव में आपका स्वागत है और अब देते हैं खबरों को विस्तार। सरदार सरोवर नर्मदा बांध का जल स्तर आज 134 पॉइंट दर्ज हुआ है। हालांकि बांध के 23 गेट अभी खोल दिए गए हैं और पानी 2500 मीटर की ऊंचाई से बह रहा है। सरदार सरोवर नर्मदा बांध के RBTH के 6 टरबाइन और CHPH के 3 टरबाइन कार्यरत हैं। सरदार सरोवर बांध में पानी की आवक 4,31,026 क्यूसेक दर्ज हुई है और पानी की जावक 4,30,812 क्यूसेक दर्ज हुई है। ऐसी जानकारी संबंधित कचहरी द्वारा मालूम हुई है। हालांकि सरदार सरोवर बांध में से पानी छोड़ने के कारण गोरा गांव का ब्रिज डूब गया है, जिससे लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है और पानी बढ़ने के कारण बागड़िया गांव का शमशान घाट भी पानी में डूब गया, जिससे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। शमशान घाट डूब जाने पर गांव के सरपंच का क्या कहना है, यह सुनिए गुजरात नर्मदा से गौतम भाई व्यास की एक रिपोर्ट। नर्मदा बंध की सपाटी अभी 134.01 दर्ज हुई है। हालांकि यहां पर बांध के 23 गेट खुले हैं और 2.5 मीटर की ऊंचाई से पानी बह रहा है। मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर डैम में से 3,92,505 क्यूसेक पानी छोड़ने के कारण नर्मदा बंध का जलस्तर बढ़ रहा है। नर्मदा बंध पे RBPH के 6 टरबाइन और CHPH के 3 टरबाइन। सरदार सरोवर बंध पे पानी की आवक 4,31,026 क्यूसेक दर्ज हुई है और टोटल जावक 4,30,812 क्यूसेक दर्ज हुई है। ये जो बागरिया गांव का जो शमशान घाट है, ये पूरा पूर्व पट्टी का आदिवासी एरिया का ये बड़ा शमशान घाट है। यहाँ 72 लोग जो गड्डेश्वर तहसील के जो लोग यहाँ शमशान विधि करने के लिए आते हैं, तो ये सरदार सरोवर बांध से जो छोड़ा गया पानी, इसकी वजह से पूरा शमशान घाट अभी डूबा हुआ है। दोनों साइड से आप देख सकते हैं पूरा पानी, ये जलस्तर इतना बढ़ गया है, तो रास्ते पे यहाँ शमशान विधि करनी पड़ती है। और जो सामाजिक रीति रिवाज के हिसाब से हमको जो रिवाज करना पड़ता है, वो भी बहुत दिक्कत में। यहाँ खड़ा रहने की जगह नहीं है और यहाँ पर जो शमशान में जो कई सालों के MP MLA को भी बात किया, तो ये शमशान में खड़े रहने के लोग को जो यहाँ शेर बनाने के लिए LNT के द्वारा बोले थे, वो भी नहीं किया। तो यहाँ अभी ये मानसून के टाइम पे सभी लोगों को इतनी परेशानी है कि रास्ते पे वो जलाने के बाद शमशान विधि करने के लिए यहाँ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की वजह से जो वाहन व्यार भी इतना बड़ा है, तो रोड पे सभी खड़ा रह के वो सब विधि करनी पड़ती है, तो बहुत मुश्किल हो रही है। तो सरकार को हम बताते हैं कि ये शमशान घाट के अंदर ये पूर्व पट्टी का इतना बड़ा 2-3 तहसील का ये शमशान घाट है, तो यहाँ पर इसकी सुविधा खड़ी करें और ये लोगों की जो परेशानी है इसका निवारण करें, यही हमारा निवेदन है। और ये सभी आदिवासी एरिया का ये बड़ा शमशान घाट है। इंडिया खबर लाइव से मैं गौतम व्यास, गुजरात।